अब कांग्रेस सोशल मीडिया सेल की हेड और प्रवक्ता सुप्रिया सेनेत द्वारा कंगना रनौत के खिलाफ किए गए विवादित पोस्ट को लेकर बीजेपी अब कांग्रेस को घेरने के लिए बड़ा प्रोटेस्ट करने की तैयारी कर रही है। बीजेपी आज हिमाचल प्रदेश के मंडी में सुप्रिया सेनेत की पोस्ट को लेकर विरोध प्रदर्शन करने वाली है। मंडी से ही बीजेपी ने कंगना रनौत को टिकट दिया है। आज मंडी में होने वाले प्रोटेस्ट में हिमाचल बीजेपी के दिग्गज शिरकत कर रहे हैं। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस प्रवक्ता के बयान से मंडी में आक्रोश है और इसके लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। कंगना रनौत दिल्ली में पहुंची है। कंगना ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब एक घंटे तक बातचीत चली। आज भी कंगना दिल्ली में बीजेपी के सीनियर नेताओं के साथ मुलाकात करेंगी। वहीं कांग्रेस आधे अधूरे मन से डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुट गई है। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कंगना को हिमाचल की बेटी तो बताया, लेकिन उन्होंने सुप्रिया सेनेत के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और कन्नी काट ली। सुप्रिया का प्रहार बना कंगना का हथियार। हम सब मंडी वासी जो हैं, वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। मंडी का नाम लेना कांग्रेस को पड़ेगा भारी। मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है। मंडी वो मंडी है जो मांडव ऋषि के नाम से इसका नामकरण हुआ है। कंगना पर वार की सोची समझी साजिश। कांग्रेस और इंडी गठबंधन किसी अज्ञात शक्तियों के हाथ में खेल रहा है। कंगना के अपमान पर बीजेपी का आक्रोश मार्च। कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। एफआईआर क्यों नहीं हुई अब तक? बीजेपी आक्रोशित है और बहुत बड़ा रोष है। कंगना रनौत पर सुप्रिया सेनेत और दूसरे कांग्रेस नेताओं की अपमानजनक टिप्पणी को अब बीजेपी ने हथियार बना लिया है। कंगना के मंडी पहुंचने से पहले ही बीजेपी ने आज आक्रोश मार्च की तैयारी कर ली है। कांग्रेस के खिलाफ आज मंडी में होने वाले आक्रोश मार्च में खुद पूर्व सीएम और सीनियर बीजेपी नेता जयराम ठाकुर शामिल हो रहे हैं। एफआईआर क्यों नहीं हुई अभी तक? और दूसरी बात, जिस भाषा का इस्तेमाल उसमें किया गया है वो बहुत आपत्तिजनक है। ये मंडी वो मंडी नहीं जिस मंडी को वो परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मंडी वो मंडी है जो मांडव ऋषि के नाम से इसका नामकरण हुआ है और छोटी काशी के रूप में मंडी को जाना जाता है। इसलिए उनको इस बात को समझना चाहिए, जो शब्द उनने लिए इस्तेमाल किए हैं उस पर खेद व्यक्त करना तो एक बात है, लेकिन मेरा ये मानना कि उनको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और खास तौर से जब सोशल मीडिया में ये सारा चल रहा था, कांग्रेस के नेता उस पर और आगे जाके करके कमेंट कर रहे थे, भद्दे कमेंट कर रहे थे, उसका क्या है? उसके बारे में तूने जवाब नहीं दिया। इसलिए मंडी आक्रोशित है और बहुत बड़ा रोष है और रोष व्यक्त कर रहे हैं। मंडी में आक्रोश मार्च की तैयारी है तो कंगना चुनावी मैदान में कूदने से पहले दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ रणनीति बना रही हैं। मंगलवार को कंगना ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद ये तस्वीर जारी की। दोनों की मुलाकात करीब एक घंटे तक चली। इस दौरान कंगना ने टिकट के लिए आभार व्यक्त किया। सुप्रिया सेनेत की पोस्ट को लेकर भी चर्चा हुई। अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाने वाली कंगना इस बार सुप्रिया सेनेत के पोस्ट को लेकर बहुत संभल कर बयान दे रही है। मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती है। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर। कंगना भले ही संयम से प्रतिक्रिया दे रही हो, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस नेता पर हमला तेज कर दिया है। महिला आयोग इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखकर सुप्रिया के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कह चुका है। मंगलवार को बीजेपी भी चुनाव आयोग पहुंच गई। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, ओम पाठक और संजय मयूख चुनाव आयोग पहुंचे। बीजेपी ने सुप्रिया सेनेत के साथ कांग्रेस नेता एचएस अहीर पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि हमारे अकाउंट जो थे वो दूसरे कई लोग डील कर रहे थे,
पहले उनकी गठबंधन की एक नेता हैं जिनके प्रश्न वाले अकाउंट विदेश से डील हो रहे थे, अब कांग्रेस की, आप ये समझिए जो सोशल मीडिया की चेयरपर्सन है वो कह रही है उनके अकाउंट कई लोग डील करते हैं, वे बहुत साफ है कि कांग्रेस की जो बातें हैं इनके अकाउंट्स कहां से डील होते हैं ये देश को समझना चाहिए।